अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी आ गई है न्यू रेसिपी और ये है जी रेशमी कढ़ाई और ये बहुत मज़े की बनती है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी जी। सबसे पहले हम लेंगे जी एक कप ऑयल और उसको थोड़ा सा हम गर्म करेंगे और साथ ही में उसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का। इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन। मैंने 2 किलो चिकन की रेसिपी है, आप इसे क्वांटिटी को अपने हिसाब से इसमें ऐड भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को कम भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होगा उतनी देर तक हम इसे फ्राई करेंगे और स्टार्ट में हम इसमें नमक डाल देंगे जी। नमक होगा हस्बे जायका, आप अपने हिसाब से नमक को ऐड करिएगा। और ये कढ़ाई जी मेरे भाई बना रहे हैं इसलिए वो हाथों को ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आपने कितनी क्वांटिटी को यूज़ करना है। अब जब तक हमें चिकन का कलर चेंज नहीं होगा इसे थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। और जी कलर चेंज हो चुका है तो साथ में इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून काली मिर्चें और 6 से 7 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें की क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गई, इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें जाएंगी चॉप करके। और अब हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। बस इतना फ्राई करना है कि चिकन अपना टोटली कलर जो है वो चेंज करके वाइट पे या लाइट गोल्डन पे आ जाए। उसके बाद हमें जी 4 टमाटर लेने हैं और इस तरीके से हमें अपनी कढ़ाई के ऊपर रखने क्योंकि बाद में हमें जो इसकी स्किन होगी उसे रिमूव करना है। इस तरह टमाटर रख के साथ में ही इसमें 1 ग्लास पानी का हम डाल देंगे और इसे कवर करके रखेंगे हम जी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो टमाटरों की स्किन है वो नरम हो जाए और हम उसे आराम से रिमूव कर सकें। ये देखिए बिल्कुल हमारे टमाटर जिस तरह हमें चाहिए वैसे रेडी हैं। इसकी स्किन भी इतने आराम से और इतने इजीली रिमूव हो रही है। इस तरह से हमने तमाम टमाटरों की स्किन को रिमूव कर लेना है। इन टमाटरों को अच्छे से मैश करेंगे और अब हमें तेज़ आंच पे अपने इस चिकन को फ्राई करना है ताकि इसका जितना भी पानी है ये सब ड्राई हो जाए, क्योंकि आपको पता है चिकन भी पानी छोड़ते हैं, टमाटरों का भी पानी होता है और हमने पानी ऐड भी किया था, लेकिन ये इसी पानी में ये पूरी चिकन बनके रेडी हो जाएगी। हमारा चिकन भी तकरीबन रेडी हो चुका है। तमाम पानी हमारा ड्राई हो गया है और तेल हमारा ऊपर आ गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जी क्रीम। मैंने 1 पैकेट पूरी क्रीम ऐड की है, आप कोई सी भी क्रीम ऐड कर सकते हैं लेकिन टेट्रा पैक क्रीम होनी चाहिए, क्योंकि उसी से जो रेशमी टेक्सचर आएगा वो उसी क्रीम से आएगा, घर की क्रीम से वो टेक्सचर नहीं आता। साथ ही जी मैं 1 बड़ी बार जो है वो मक्खन की ऐड कर रही हूँ। अब इसमें आप मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मक्खन का जो टेस्ट होता है वो बहुत औसम होता है, तो आप कोशिश करें कि मक्खन ही ऐड करें। साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें हम इस तरह से रख देंगे ऊपर और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे 5 मिनट्स के लिए हम दम पे रखेंगे ताकि हमारा जो मक्खन है वो अच्छे से पिघल जाए। और इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हमें इसे अभी कोयले का भी स्मोक देना है। अब जी कोयले का स्मोक देंगे और हमें स्ट्रॉन्ग कोयले का स्मोक नहीं देना, बिल्कुल स्लाइट हल्का सा देना है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट हमें इसमें कोयले का नहीं चाहिए। स्मोक हो चुका है और हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। ये बहुत मज़े की बनती है, इसे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। और मेरे अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।